सावधान, आ गए हैं फॉर्मूला गुरु। गुरु बताएंगे कि डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड कैसे काम करते हैं, किस तरह से ये कम जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न भी दिलाने में कामयाब रहते हैं। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के फंड मैनेजर कई तरह के मॉडल के आधार पर अपने एसेट का आवंटन करते हैं। कुछ फंड हाउस प्राइस टू अर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ प्राइस टू बुक वैल्यू मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। कई फंड हाउस अपना कुछ अनूठा मॉडल ही तैयार कर लेते हैं। इन मॉडल का इस्तेमाल करते हुए फंड मैनेजर बाजार की दशा के मुताबिक इक्विटी या डेट में निवेश घटाते या बढ़ाते हुए रणनीतिक आवंटन को अपनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के डायनेमिक आवंटन से जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, जब बाजार में तेजी का दौर होता है तो शेयरों की वैल्यूएशन ऊपर चली जाती है, ऐसे में इक्विटी का हिस्सा घटा दिया जाता है। इसी तरह जब बाजार गिरावट के दौर में होता है तब शेयरों की वैल्यूएशन कम हो जाती है, ऐसे में फंड इक्विटी में अपना आवंटन बढ़ा देता है। इन फंड्स का लगातार स्थायी रिटर्न देने का अच्छा इतिहास रहा है। इस तरह के फंड ने 3 साल में औसतन 11% रिटर्न दिया है। फंड मैनेजर सतर्कता के साथ निवेश पर नजर रखता है और लगातार मार्केट रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर इक्विटी या डेट में निवेश में फेरबदल करता रहता है। इससे निवेशकों को बाजार की तेजी और मंदी दोनों के दौर में एक प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलती है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा फंड साबित हो सकता है। गुरु कहते हैं कि ये फंड ज्यादा अनुकूल रिस्क रिवार्ड रेशियो उपलब्ध कराते हैं और इस तरह से इनमें डेट फंड्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहती है। इस रेशियो का मतलब ये होता है कि आपको नुकसान या फायदे का अनुपात क्या है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड पर टैक्स कैसे लगता है, इसको जानने के लिए देखिए मनी ज्ञान। Oh.